वेंकटेश अय्यर के बल्ले की गूंज पहुंची सरहद पार। हार्दिक पांड्या होंगे T20 वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान भी हो गया है वेंकटेश अय्यर का फैन। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। IPL 2021 में कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की रेस में कई ऐसे नाम दिखाई दिए हैं जिनके बारे में फैंस कुछ भी नहीं जानते थे। यही IPL की खूबसूरती है जो युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को स्टार बनने का मौका देती है। इस सीजन की फाइनलिस्ट KKR को भी एक ऐसा ही स्टार खिलाड़ी मिला है। वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया है कि हर भारतीय फैंस को अपना मुरीद बना दिया है। UAE लीग से पहले कोई इस खिलाड़ी का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन IPL खत्म होते होते वेंकटेश अय्यर का नाम हर किसी की जुबान पर है। वेंकटेश अय्यर ने IPL 2021 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 10 मैचों में 41.11 की औसत से 370 रन बनाए हैं। अय्यर के बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 128.47 का रहा है। IPL के इस सीजन में उनके नाम 3 विकेट भी है। अय्यर ने बतौर ओपनर खुद को साबित किया है। फाइनल मुकाबले में भी अय्यर के बल्ले से 8 शतक निकला था। वेंकटेश अय्यर के बल्लेबाजी के फैन सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि सरहद पार भी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सलमान बट ने KKR के इस स्टार खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है। अय्यर के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए BCCI ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ जोड़ लिया है। वहीं बात करें हार्दिक पांड्या की तो हार्दिक पांड्या भी टीम में ऑलराउंडर के हिसाब से खेलेंगे, लेकिन न तो IPL में उनका बल्ला ही चला है और न उन्होंने कोई गेंदबाजी से कमाल किया है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ टीम उनको अपने साथ जोड़ सकती है और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए तो यकीन मानिए इस बार भी भारतीय टीम पाकिस्तान को रौंद देगी। भारत को अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलना है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम उनका नाम सुनकर ही कांपने लगी है। अगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिलता है तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के गेंदबाज वेंकटेश अय्यर के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।